प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात में बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। पीएम ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बच्चों को तैयारी से जुड़े मसले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छात्र और माता पिता भी परीक्षा को लेकर परेशान रहते हैं, हमें परीक्षाओं के दौरान उत्सवपूर्ण माहौल बनाना चाहिए, इससे बोझपूर्ण माहौल नहीं बनता। इसके साथ ही पीएम ने स्माइल मोर स्कोर मोर का भी मंत्र दिया। परीक्षा के दौरान परिवार को भी बच्चों का साथ देने को कहा। उन्होंने कहा कि परिवार वाले बच्चों को रिलैक्स रखें, इससे मेमोरी पावर बढ़ती है। वहीं नंबर को लेकर प्रतिस्पर्धा को लेकर पीएम ने कहा कि मार्क्स और मार्कशीट का जीवन में बहुत सीमित उपयोग है। जीवन में आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, स्किल और नॉलेज काम आता है। प्रतिस्पर्धा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुस्पर्धा काम आती है। इसका मतलब है स्वयं से स्पर्धा। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 1 फरवरी को तटरक्षक बल की स्थापना के 40 साल पूरा होने पर जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तटरक्षक बल में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की तटीय सुरक्षा में योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से सेना के वीरों के बारे में जानने और लोगों को बताने की भी अपील की। वहीं पीएम मोदी ने कश्मीर में हिमस्खलन में शहीद हुए जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आज मन की बात कार्यक्रम का 28वां प्रसारण था। पीएम ने बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को स्माइल मोर और स्कोर मोर का संदेश दिया। वैसे बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की इजाजत इस शर्त पर दी कि कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा जिससे 5 राज्यों के वोटर प्रभावित हो। देखते रहिए डीबी लाइव।